दोस्तों, अगर आप दूध पीते हैं तो कभी ना कभी आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि जो दूध हम पीते हैं वो वेज है या फिर नॉन वेज, क्योंकि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन इसके पीछे के अपने अलग अलग तर्क देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वेज या नॉन वेज दूध कैसे हो सकता है। देखिए, वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो तर्क देते हैं कि दूध में किसी भी तरह का कोई लिविंग सेल नहीं पाया जाता और न ही ये किसी तरह का मांस और हड्डी का टुकड़ा है, यानी कि वो कहते हैं यह उनके शरीर का एक सिक्रीशन है यानी स्राव है जिसको हम मांसाहारी नहीं मान सकते। लेकिन नॉन वेजिटेरियन का मानना है कि दूध में पाया जाने वाला डीएनए यानी उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स और उनके अंदर पाया जाने वाला एनिमल फैट यानी चर्बी और बहुत सारे एसेंशियल एमिनो एसिड जैसे विटामिन बी12, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि केवल जानवरों के ही प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो ब्लड होता है जानवर का वही एक बायोकेमिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद दूध में कन्वर्ट होता है, क्योंकि दूध में पाए जाने वाले ब्लड सेल्स और पस सेल ये बताते हैं कि दूध कभी ना कभी तो ब्लड या फिर पस रहा होगा। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि दूध वेज है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज इसके नॉन वेज